सारा कुछ व्यवस्था कर लिए हैं और यहाँ पूजा पाठ के लिए बैठ गए हैं और यहीं पे हम लोग हवन करेंगे क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है तो फिर इसको वाश भी करना है। ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो गया था ना कि बचने का बिल्कुल चांसेस नहीं था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बाबू को स्कूल भेजकर अभी लाने भी जाना है, टाइम भी हो गया है और आज है जीतिया। तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से जीतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे बहुत सारे नाम से बोला भी जाता है, जीवित पुत्री का, और इसकी कहानी ही बहुत अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है। और वैसे भी आज तुम्हारा है फास्टिंग, वो भी निर्जला व्रत होता है। तो हम सब बहनों से ही उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जिनके भी बाल बच्चे सब है, सब कोई की जोड़ी ऐसी सलामत रखिए और सबका बेबी खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा हंसते रहे। तो और इधर देखिए, कुछ कुछ जो हमारी सामग्री है ना, वो हम लोग तैयार कर लिए हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शुरू से ही जो हमारी परंपरा चलते आ रही है ना, उसका हमें पालन करना चाहिए। मैं इस साल मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे रांची में कर रही हूँ जीतिया, क्योंकि एक साल मैं दीदी के यहाँ पे की थी और एक साल मैं मायके में की थी, तो यहाँ पे हम लोग किए नहीं थे। तो पहली बार रांची में हो रहा है और सासू माँ के द्वारा कहा गया है कि शाम को जीतिया भी पुजाते हैं, तो उसी के आधार पे हमें वो करना भी होगा। पर मुझे नहीं पता, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। अभी सासू माँ से कॉल करके बात कर लेंगे। ऐसे प्लान हमारा ससुराल में ही था करने का, लेकिन डुग्गू का स्कूल की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बाबू का स्कूल एकदम सुबह में है, उतना जल्दी पालन करके वहां से आना संभव नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कि जहाँ पे रहते हैं वहीं पे पूजा कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे ऐसा। पर कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी ही घर गए थे, ऐसे हम लोग का प्लान वहीं पे था। और इधर देखिए, बाप बेटे दोनों को आ चुके हैं डलिया लेकर कुछ सब्जियां तोड़ने के लिए। घर में कुछ कुछ सब्जी है और कीड़ा का फूल वगैरह भी है जो कि पूजा में काम आएगा, तो ये बोले थे कि आप तोड़ के रख लो। इधर देखिए, हेलो, तो हम लोग आए हैं डलिया लेकर। डलिया डुगू सॉरी चीकू पकड़ा है और चीकू हमको दे नहीं रहा है, इसका कहना है खुद हम मम्मी को देंगे। बेटा दीजिए, मम्मी दे दो बेटा, दीजिए माँ को, माँ को, माँ आपको भी नहीं देगा, दीजिए नहीं देगा, दे दीजिए, हाँ हाँ लाइए, आपको भी नहीं देगा, किसी को नहीं देगा ये। नहीं लल्ला, ऐसे हमेशा खुश रहे हैं। हाँ माँ, बाद में देगा भी नहीं। अभी जाते तोड़ने सब्जी, आपको भी देंगे। थी छोड़ो, तुम बहुत सारे ऐसे नियम भी होते हैं इस पूजा में, और ये पूजा बहुत ही हार्ड मतलब होता है, और ये पूजा हर माँ लोग को अपने बेबी के लिए करना चाहिए। और ये सुख ना हर इंसान, हर औरत को वो सुख मिले, माँ बनने का सुख, और जब माँ बनते तो उनके लिए लंबी उम्र के लिए सब पूजा पाठ करना चाहिए। तो आप सब बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे बेबी को, क्योंकि आप सब कुछ जो हमारे वीडियो देखते हैं, हमसे बड़े के बड़े एज के भी होंगे, छोटे एज के भी होंगे, तो छोटों को शुभ आशीष और बड़ों को ढेर सारा प्रणाम। हमको लगा था कि मेरा झींगी नहीं फरेगा, लेकिन लास्ट टाइम में ना दो पीस झींगी, एकदम छोटा छोटा सतपुतरिया झींगी जो बोलते हैं ना, बहुत उत्तम होता है, वो लगा हुआ है। और झींगी का पत्ता में तो खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी कल पूजा होगा, पारण होगा, उसमें तो काम आएगा ही आएगा। अरे कितना अंदर घुस गए रूबी, कुछ दिख रहा है? कैसे आए हम बाबू यहाँ है? दिखा नहीं, दिखा हमको, ये देखिए तोड़े है, इतना छोटा से क्या होगा यार, कई बार में सब दिखाया गया, बताओ पहले हमको। अरे बाबा, साल के भी पुराना है तो थोड़ा सा बना देंगे, क्या दिक्कत है? खराब हो गए। अरे और क्या, अच्छा पर कोई बात नहीं, तुम निकला तो हमारे घर। लोग इधर साइड में आ गए और यहाँ पर लग रहा है कि बोदी निकला हुआ है भी कि बस देखे जा रहे हो यार, कहाँ पे है? अरे बाप, इतना बड़ा, अरे ये तो पूरा एक हाथ का है, एक हाथ से भी बड़ा है मेरा। अरे बात, एक ही पीस है और इतना बड़ा हो गया है। हाँ बेटा, मामा मामा यू पकड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज मजा आ गया सब्जी देखकर, एक हाथ का सब्जी बहुत मस्त है। अब बहुत चीटी चल रहा है ना, देख रहे, बहुत ज्यादा चल रहा है। और है क्या? और फूल तोड़ लेते हैं ना, फूल? हाँ। कहाँ फूल है? खीरा का फूल चढ़ता है, खीरा का फूल चढ़ता है, पागल हो गए हो? आपको नहीं पता था? डंकी वाला खीरा चढ़ता है, दिखाओ। ये कौन चढ़ाता है यार? चीकू को हम लोग मस्त एकदम तैयार कर रहे हैं, और ये देखिए पैर में हाथों में नानी का, इनका और मामी का प्यार है। हाँ, यस,
अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ अच्छा। कहता है ना कि भगवान हमको बेटी नहीं दिया है, दिया है किसी ने, यही मेरे दोनों बेटा, मेरे दोनों बेटा, मेरी बेटी है। अच्छा सुन लीजिए, यही प्रार्थना है कि दो बेटा भगवान दिया है तो दो बहू आएगी तो बेटी ही आएगी ना बेटा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए रूबी सारा कुछ व्यवस्था कर लिए है और यहाँ पूजा पाठ के लिए बैठ गए हैं और यहीं पे हम लोग हवन करेंगे क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है। बाकी हमारा बुतरू लोग देखिए कहाँ यहाँ बैठल है, दोनों इंतजार में है कि कब मम्मी कैसे क्या करेगी। तो फटफट है सब कुछ तो हो गया है। गुड मॉर्निंग। लेकिन अभी क्या चीज पति बोल रहे लाना है? हाँ, नहीं बाहर से पता नहीं ना, यहाँ झिंगे हो ना क्या वो तो अभी झिंगे का पता लाना होगा तो लेते हैं। और देखिए बाहर का मौसम कैसा है, पानी खुल ही नहीं रहा है यहाँ पर, और जो बारिश हो रहा है सो हो रहा है, ये देखिए पूरा। और रांची का मौसम ही कुछ ऐसा होता है, पानी खुलता ही नहीं है यहाँ। देखो तो जगह कहीं ना, आपको नहीं, आपको नहीं, आपके लिए नहीं है वो, आपको दूसरा देंगे। हाँ मम्मी पूजा कर रही है, हाँ मम्मी पूजा कर रही है अभी। तो नियम कुछ लगता है कि पता चला होगा या फिर कुछ बताए होंगे ना, तो फिर इसको वास भी करना है। चीकू ना देख हल्ला कर रहा है कि भैया बैठल है और हमको लोग बैठाया नहीं है, तो बाबू को ज्यादा गोदी लेनी है अभी। बाकी जो कुछ हम लोग को लगा जितना कुछ बन सका उतना हम लोग करने की कोशिश किए हैं। क्या कीजिएगा, जिस घर में बेबी लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। ये कौन सा नियम है रवि, एक बार दिखाओ थोड़ा सा एक बार सबको। तो हवन के लिए यहाँ पर हम लोग जुगाड़ किए हैं ना, क्योंकि बाहर में हम लोग का प्लानिंग था वहां पर अच्छे से साफ करे करते, लेकिन भगवान जी नहीं मंजूर था शायद बाहर में। हाँ अगरबत्ती ला देते, धूपबत्ती का अगरबत्ती। अच्छा ठीक। तो चील कौवा क्या क्या होता है निकालने के लिए, क्या बोलते है रूबी? अच्छा तो उसके लिए निकाले हैं। अच्छा कैसे बोल रहे? तो ये देखिए हम लोग का पूजा वूजा कर संपन्न हुआ तो पकड़ लेगा। और सुबह में ना मैं भी नहा लिया था, नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था क्योंकि बाबू लोग को रहने देते नहीं है। और इधर देखिए पहले बड़ा बाबू को, क्योंकि बड़ा है ना ये, तो उनको सबसे पहले फर्ज बनता है, इसके बाद छोट वाले को पहनाएंगे, मतलब उनको पहना दिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा देर बाद फिर खोल के बाबू पहनाएंगे ना। और रूबी फर्स्ट बार कर रही है ना तो थोड़ा सा नर्वस आ रहे हैं, कैसे क्या करें। ये देखिए बाबू को दोस्तों बहुत बड़ा हमारे साथ में दिक्कत हो गया, पता है रात भर बाबू सोने नहीं दिया है, अभी देखिए जमाई ले रहा है। और जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ किए हैं, जिस कष्ट में किए हैं ना, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। यहाँ तक छठ किए थे तब ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार। लेकिन चलिए भगवान का देन है जो सब कुछ अच्छा से हो गया। रात में दोनों माँ बेटा सोने नहीं दिए, पता है इनको 2 बजे के बाद लगातार उल्टी हो रही थी बार बार, हम परेशान हो गए। ये उठ गया और उठ के ये रो रहा था जो मत पूछिए। दूसरी तरफ फिर हम खाना बना रहे थे तो किसी तरह से हम चावल बनाए, भुजिया बनाए और सब्जी सब किए। खैर जितिया मैया का शुक्रगुजार है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन कभी कभी ना पैसा मतलब भगवान भी लेते हैं परीक्षा, जो आदमी को समझ में आता है क्या करें। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो एकदम एक साल गिर गया था ना वहाँ चट्टान पर जाके, हमको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबू गोदी लिए थे, बाबू उतना ज्यादा किलकिला रहा था और आप जान ही रहे छोटा बेबी है तो कितना दिक्कत होता है। अच्छा
और बाबू यहाँ से नहीं सोया है ना, इसलिए खिलखिला रहा है। तो दोस्तों हमारा सब चीज पूजा अच्छे से तो हो गया, और ये देखिए जीतिया भी अपने गला में हम धारण कर लिए हैं। ये पता नहीं कैसा दिख रहा है आप सबको, और मुझे बहुत चीज आपसे शेयर भी करनी है, वो हर चीज जो आप सब बोलते हैं ना कि रूबी तुम, हाँ हाँ बेटा बोलते हैं कि रूबी तुम अपने ससुराल से क्यों यहाँ पर आ गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डुगू है ना, इसकी वजह से समझे कि हम आपके सामने वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि जब ये होने वाला था ना तो मतलब ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो गया था ना कि बचने का बिल्कुल चांसेस नहीं था। तो उसमें मम्मी और दीदी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था, क्योंकि ये जीतिया जो पर्व है ना ये बच्चों के लिए करना चाहिए, लेकिन याद पड़ता वो दिन तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। और इसकी वजह से मैं अभी आपके सामने जिंदा हूँ। मैं जीतिया माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे बच्चे को सबकी उम्र अच्छे से लग जाए, और ये मतलब जल्दी बड़ा हो जाए। और आप लोग मेरे डुगू को लेकर बोलते हो जल्दी ये नहीं बोल पाता है, कि जैसा इसकी कंडीशन था ना वो हम लोग जान रहे हैं किस प्रकार से था। बहुत मुश्किल से ये मतलब 48 घंटा का दर्द के बाद भी ये नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल का बहुत चांस देखे थे, नहीं हुआ। तब लास्ट में जाके फिर मेरा हार्ट बीट एकदम कम हो गया था, बाबू का भी हार्ट बीट कम हो गया था। फिर डॉक्टर जब सीजरीन किए तब पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम था, ये पहले से पता नहीं था। पता नहीं खुश था भगवान ने मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम दिया होगा। और उसके बाद ही फिर होने के बाद जब मैं मतलब ऑपरेशन रूम से निकली थी, तब डॉक्टर ने मम्मी को आकर बोला कि आपके नाती की वजह से आपकी बेटी यहाँ पे जिंदा है, और अगर ये नॉर्मल अगर हो भी जाता ना प्रॉब्लम से तो फिर ब्लीडिंग इतना होता कि हम लोग मतलब कुछ कर नहीं पाते। तो इसीलिए जब मैं पहली बार जीतिया कर रही थी ना, तो ये कहते हैं ना कि पहला बार जीतिया ससुराल में करना चाहिए, लेकिन आप सब तो बस एक ही चीज को लेके हमेशा बोल देते हो कि ससुराल में सबका प्यार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन पहले ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। आप लोग नहीं जानते हैं, बिना जाने आप लोग धड़ाधड़ से बस कमेंट कर देते हो। मुझे आज के दिन ऐसा नहीं रोना नहीं था, लेकिन आप सब ऐसा कमेंट करते हो बिना कुछ सोचे समझे तो थोड़ा दुख लगता है। आप लोग तुरंत बोलते हो तुम्हारी मम्मी के बारे में, तो मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, दीदी लोगों की वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम डू के सीजनिंग के टाइम में मेरा कोई अपना नहीं साथ दिया था, सिर्फ हस्बैंड और मम्मी और दीदी के सिवा कोई नहीं आया था। तो आप लोग बोलते हो हाँ चीकू को टाइम में सबको साथ दिए, नहीं पता क्यों किस कारण से दिए हैं साथ, लेकिन अच्छा बात है कि सब फैमिली साथ में है, तो अभी सब चीज ठीक हो रहा है। और मुझे ये जीतिया जो पूजा था ना, ये मुझे ससुराल में करना था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और मुझे लगा कि नहीं चीकू का पहला जीतिया है तो मैं यहीं पे करूंगी, किसी भी हालत में करूंगी लेकिन यहीं करूंगी मैं, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और शाम का पूजा मैं नहीं करती, क्योंकि डुबू का ना बहुत फीवर रात को था, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं किया करने के लिए। सोचे कि नहीं, जो मेरा खानदानी परंपरा है, दादी सास भी ऐसी करती थी, और रांची में आने के बाद ही माँ शाम को पूजा करने लगी, सबका अपना अपना नियम होता है करने का। तो आज मेरा बड़ा बेटा मम्मी को बचा लिया ना बेटा, इसलिए मैं उसको बहुत लड़ू कर मैं बहुत लकी मानती हूँ। ये बहुत कष्ट से हुआ है गाइस, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाओगे वो दर्द, किस दर्द से मैं गुजरी थी उस टाइम। मुझे पता है हर माँ लोग को उस दर्द से गुजरना होता है, लेकिन जो मेरा फैक्ट था ना वो अलग ही था। तो इसीलिए ये बेटा मेरा बहुत खास है, लकी है ना बेटा। और चीकू भी हुआ तो कंडीशन में हुआ, लेकिन डॉक्टर ने अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम बताया है कि अगर आपका बेबी हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मुझे बार बार प्रॉब्लम होता है। आप सब कहते हो कि मायके जाती हो तो वहां दिक्कत नहीं होता, तो पता नहीं वहां क्यों दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या होता है, यहाँ पे आते मुझे बहुत सारा टेंशन हो जाता है बेबी को लेकर, काम को लेकर। और रही बात आज सारा खाना मेरे हस्बैंड जी ने बनाया, इसे भी आप सब बोलो कि इसलिए ससुराल नहीं जाती, वहां पर आना पड़ेगा ये वो, तो बिना कुछ सोच समझे आप सब धड़ाधड़ से बस एक ही कॉमेंट कर देते हो, नहीं समझते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कोई बात नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस कष्ट से मुझे डुगू और मेरे चीकू दोनों भगवान ने दिया ना, उसे हमेशा खुश रखे। और आप सब भी अच्छे से पूजा पाठ कर लिए होंगे,
दोस्तों रूबी ना कुछ ज्यादा ही भावुक सा हो गया, और क्या कीजिएगा, आदमी सबका अपना अपना स्टोरी होता है और इनको लगता है कि है उस टाइप में तो हो ही जाता आदमी को, क्या कर सकते हैं। तो जुगा भी चुप करा था मम्मी को, चलिए खैर कोई बात नहीं, सबका कंडीशन अलग अलग होती है और सब स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, समय के अनुसार सॉरी सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जितिया मैया जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नहीं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।